अलवर मुख्यालय पर स्थित राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में ईएनटी विभाग द्वारा मुंह के कैंसर की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। भरतरी निवासी जयराम गुर्जर पिछले 2 माह से कैंसर से परेशान थे, जो दवाइयां लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। कैंसर निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा था। जयराम कई वर्षों से नियमित रूप से तंबाकू का सेवन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विश्राम निवासी बारा बड़कोल गुटखा के सेवन से जीभ में छाला होने से परेशान था। मरीज ने जिला अस्पताल में कान नाक गला विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता को दिखाया। डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी होने की आशंका जताई, जिसकी पुष्टि वापस की। जांच दोबारा की गई व मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान के प्रोत्साहन से सर्जरी डॉक्टर दीक्षा गुप्ता ने सफलतापूर्वक किया। इस टीम के मार्गदर्शक डॉक्टर मानसिक, डॉक्टर विनोद गुप्ता, डॉक्टर अजय मीना रहे। डॉक्टर तेजेंद्र मलिक, डॉक्टर प्रमोद जैन व गरिमा त्यागी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ है। पूर्व में भी डॉक्टर दीक्षा गुप्ता के द्वारा जीभ के कैंसर का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा चुका है। इससे पहले कैंसर के मरीजों को जयपुर रेफर करना पड़ रहा था, अब इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। देखिए, दोनों मरीज छाले से परेशान थे, जो कि लंबे समय से था। एक मरीज को 1 महीने से, दूसरे मरीज को 2 महीने से था, जिन्होंने आसपास के निजी अस्पतालों में इलाज लिया और उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये मेरे पास आए तो मैंने हाथ लगा के छूकर इनको कैंसर होने की संभावना जताई और पुष्टि करने के लिए मुझे बायोप्सी की जरूरत थी, तो मैंने इनको बायोप्सी के लिए समझाया। बायोप्सी में सिर्फ हमने छाली में से छोटा सा टुकड़ा निकाल करके जाँच के लिए भेजा था, जिसमें दोनों ही मरीजों के कैंसर की पुष्टि आई। उसके बाद हमने सीटी स्कैन करा करके अंदर कितना फैला हुआ है उसकी जांच करी। सीटी स्कैन में ज्यादा फैला हुआ नहीं था, स्टेज 1 का डिजीज था, जिससे वो सर्जरी से हम सफलतापूर्वक निकाल सकते थे। तो इन दोनों ही मरीज को ऑपरेशन के बारे में समझाया गया। शुरुआत में थोड़ा डर गए थे, बट समझाने पर दोनों मान गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन में क्या होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है, क्योंकि कैंसर की गांठ सिर्फ मुंह के अलावा गर्दन में भी आती है। इसीलिए ऑपरेशन 5 से 6 घंटे चलता है, जिसमें हमको स्ट्रांग एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, जो कि 6 घंटे तक मरीज को ऑपरेशन टेबल पे संभाल के रखता है। दोनों ही मरीजों का ऑपरेशन बहुत ही सही तरीके से हो गया था। मरीज ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से ठीक है। 14 दिन तक उनके नाक में नली डाली गई, जो कि खाना देती थी। मुंह से खाने के लिए उनको मना करा गया। 14 दिन के बाद उनकी नली निकाल दी गई। पहला मरीज बिल्कुल ठीक है, उसको आगे कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में आ गया था। अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ है, खाने पीने में बोलने में कोई परेशानी नहीं है, अब वो अपना नॉर्मल जीवन जी रहा है। दूसरे मरीज का भी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ है। कितने डॉक्टर्स की टीम थी और उस ऑपरेशन को बाहर करवाए तो कितनी लागत है? 2 से 4 लाख लगती है। अलवर जिले में पहले ऑपरेशन है, पहले के निजी अस्पताल में भी? नहीं, निजी अस्पताल में भी नहीं होते। अलवर जिले में पहली बार ऑपरेशन? हाँ जी। आपकी पोस्टिंग कब हुई? मेरी 1 अगस्त को ज्वाइनिंग किया था। इससे पहले आप कहाँ पे? मैं एम्स जोधपुर में काम करा था, 2 साल एम्स जोधपुर में काम किया था। दोनों ऑपरेशन आपने अपने? हाँ जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीक्षा गुप्ता।